शबे बरात की रात है। इसी रात की अज़मत के हवाले से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर और रसूल एक दिन कहीं जा रहे थे। रास्ते के अंदर एक सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा। पत्थर बहुत खूबसूरत था। अल्लाह की रहमत है ना, मालिक ने दुनिया को इतना हसीन बनाया है। और कभी कभी बंदा सोचता है यार ये दुनिया इतनी हसीन है, पता नहीं जन्नत कितनी हसीन होगी, पता नहीं जन्नत कितनी हसीन होगी, इस मालिक की दुनिया इतनी हसीन है। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा और खूबसूरती को देखकर हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बड़े हैरान होकर, या अल्लाह तूने पत्थर को कितना खूबसूरत बनाया है। आवाज़ आई, प्यारे ईसा तो पत्थर को देखकर कहता है फरमा अगर कहे तो इससे ज़्यादा मोहब्बत वाला आपको कोई मंजर ना दिखाऊँ, या अल्लाह दिखा। रब्बे कायनात का हुक्म होगा, वो पत्थर टूट कर दो टुकड़े हो गया। वो सफ़ेद रंग का पत्थर टूट कर दो टुकड़े हो गया और उन दो टुकड़ों के अंदर जो है एक सफ़ेद दाढ़ी वाला सफ़ेद लिबास वाला बुजुर्ग खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहा था और उसके पास एक अंगूर का दरख्त बेल लगी हुई थी। अब क्या हुआ, हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने उसे पूछा, ऐ बंदा खुदा इस पत्थर के अंदर कितनी देर से इबादत कर रहा है। उसने कहा कि 400 साल से इस पत्थर के अंदर खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, 400 साल से। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक तेरी मखलूक में इससे ज़्यादा इबादत गुजार शायद ही कोई पैदा हो। रब्बे कायनात ने फरमाया, ईसा खामोश, ईसा खामोश, तू इसकी बात करता है, 400 साल की इबादत की बात करता है, एक आखिर में मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा। एक आखिर जितनी मोहम्मद के नाम पे ऊँची आवाज़ सुभान अल्लाह कह सकते हो मोहब्बत से कहो, कहा एक आखिरी वक़्त में मेरा नबी मोहम्मद तशरीफ़ लेके आएगा। मालिक फिर क्या होगा, कहा अपने महबूब और महबूब के गुलामों को साल में एक शबे बरात अता फरमाऊंगा, ये रात अता फरमाऊंगा। फरमाया जो मेरे महबूब का उम्मती इस रात में दो रकत नमाज नफल अदा करेगा, फरमाया मैं रब्बे कायनात उसको इसके 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करूंगा। ये हमारी वजह से है ना, ना ना ना, हम क्या, हमारे मुंह क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारा कुछ कमाल नहीं, कमाल है तो आमिना के नाम का कमाल है। अब ये तो बड़ी मोहब्बत की बात थी, लेकिन हम जब जनाब ईसा अलैहि सलाम ने ये सुना ना, अब जनाब ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अर्ज करते हैं मालिक मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ मुझे नबी ना बना, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बना दे, मोहम्मद का गुलाम बना दे, मोहम्मद का उम्मती बना दे। मैंने कहा जिंदगी में रहकर मेरा भाई ये आप अहबाब से मेरे गुजारिश है, ये मेरा मैसेज है शब-ए-बरात की।